तो गाइस आज का वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं पबजी मोबाइल मिनी। नहीं, ये पबजी मोबाइल लाइक बिल्कुल नहीं है, ये पूरी एक अलग गेम है और जिससे भी इसको खेला हुआ ये बोलता है कि ये वाली गेम पबजी मोबाइल से भी बढ़िया है। तो आज का वीडियो के अंदर हम लोग इसको खेल के देखने वाले है क्या ये सच में पबजी मोबाइल से बढ़िया है या नहीं। नाम पूछ रहा है यार, तुझे को पता नहीं मैं कितना फेमस आदमी हूँ? अपना नाम सबको पता है, ये ऑटोमेटिक ढूंढ लेगा। तो गूगल कर ले, मैं नहीं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट के अंदर हमको मिलता है गिफ्ट के नाम पे घू देना कोई गिफ्ट होता है भाई, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम समझा मैं तो। एक्शन तो ऐसे मारा जैसे अभी अभी खली को पछाड़ के आया हो ये। भाई तू सिर्फ एक सॉसेज है और वो खली 50-50 अंडे खा जाता है एक दिन में, वापिस से वही पोज मार रहा है। भाई कम से कम पहले डोले शोले तो बना लो, उसके बाद दिखा लियो अपने डोले शोले जो की है ही नहीं। तो अभी हम लोग खेलने वाले है रेनबो आइसलैंड। भाई ये इतना गुस्से में देख रहा है, 5-6 को तो अकेला खा जाएगा या खुद किसी का निवाला बन जाएगा। तो गाइस हम लोग लॉबी में आ चुके हैं और मेरे ऊपर किसको स्पॉन कर दिया सालो तुमने? तेरी भैंस की आंख मारू तेरी साले, हिम्मत कैसे हुई तेरी वो बता। गाइस मेरे को लगता है ये इनविजिबल कोई अलग ही अपनी प्रजाति है, इसको छोड़ दो। ओह माय गॉड गाइस हमको एक एक्वेरियम के अंदर भेज दिया गया। ओ मैम ये टेलीपोर्ट हो गया क्या? मैं नहीं, मेरे को मच्छर देखनी है, तुम लोग रुको। और गाइस यहाँ पे नहाने का भी बंदोबस्त किया गया है वो भी गरम गरम पानी के अंदर, और ये नाच कूदा जाके ना पहले। और भाई पीछे की तरफ देखो कितनी सारी मच्छियां हैं, और गाइस इसका जंप एनिमेशन भी कितना अलग दिख रहा है तुमको। बाकी गाइस यहाँ पे बहुत सारी मच्छियां पड़ी है। ए मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ देखा तो इस गेम के ऑक्टोपस डाला है भाई यहाँ पे, मैं तुमको यहाँ से दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कितना बड़ा वाला ऑक्टोपस डाल रखा है इन लोगों ने। तो गाइस थोड़ी देर के अंदर हम लोग की फाइट शुरू। अबे ये कौन है, क्या डिस्कोडस कर रहे हैं ये लोग? इधर मेरा नाम क्यों नहीं है? गाइस मुझ जैसे महान इंसान का नाम इन लोगों ने यहाँ पे नहीं डाला। को तुम लोग एक मिनट, मैं इधर इसको ऊपर चढ़ता हूँ और ये इमोट का बटन दबा के मेरा इमोट, ये कैसा इमोट दिया है मेरे को? ऐसा लग रहा है जैसा कोई जगरात के अंदर बैठा हूँ मैं। भाई इसको ओ तो गाइस फाइनली हमारी गेम चालू हो चुकी है। मेरी टीम को एक बंदा हमारी टीम का लीव कर गया, अब बाकी की टीम के अंदर 4 बंदे होंगे, 3v4 खेलना पड़ेगा। और बेस्ट टीम मेरी टीम कैसे आगे बेस्ट टीम में? इन मीन 3.5 लोग तो टीम के अंदर भरे। एक बार इनकी सवारी देख लो भाई, प्लेन के प्लेन तो है ही नहीं, पता नहीं क्या उसके पंखे जो है ना ठीक से घूम भी नहीं रहे, पता चला लैंड करने से पहले कहीं पे क्रैश हो गया। भाई पता नहीं कौन सी टूटी फूटी रिक्शा का साधन चुरा कर डाला, अभी धुआं निकल रहा उससे काला। मैं कोई अनहोनी होने से पहले कूद जाता हूँ, मेरे को नहीं पता हम लोग एक दूसरे की टांगे पकड़ उससे छोड़ दी। अपने टीम वालों का भरोसा नाम की चीज ही नहीं है उसको। अबे वो मेरे पीछे क्यों लटक रहा है साले? खुद का होता तो मैं मेरे साथ चिपक के बैठा है, लगता है मेरे को जो जो की पादे माननी पड़ेगी अभी इस बेअकल की अकल ठिकाने आएगी और मैं यहाँ पे परमानेंट बनाऊं। परमानेंट मुझे पता है सुपरमैन भी ऐसा कहता है लेकिन कार्टून गेम में तो परमानेंट ही ले लेते हैं। उसके बाद गाइस पैराशूट की जगह पता नहीं ये हमको किस आटे वाले की चक्की दे देते हैं, ये भी कबाड़ खाने से उठाया जैसे इन लोगों ने वो हेलीकॉप्टर बनवाया था। तो गाइस पता नहीं कोई ग्लिच के कारण मेरी गेम प्ले की आवाज ही उड़ गई और यहाँ पे हमको AK-47 और बहुत सारी गन मिल जाती है। ये गेम भले ही बच्चों वाली हो लेकिन इस गेम के अंदर गन की कमी तुम्हें बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। पबजी की तरह 200-300 घर फिरने के बाद तुमको तुम्हारी गने मिलती है। तो गाइस यहाँ पे मैं बाकी चीजें भी लूट लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक नई वाली गन भी मिल जाती है जो कि इस जमाने की होती नहीं है भाई, ये है 250 जमाने की। ओ ये क्या किया मैंने? अभी कुछ अलग किया मैंने, रुको रुको मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मेरे को कहीं ऊपर जाना होगा और मैं इस वाले ऑप्शन को दबाऊंगा तो मैं निंजा की तरह जा पाऊंगा उधर। वाओ गाइस मतलब एक बार गेम को देखो कितनी बढ़िया लग रही है यार। तो गाइस इस गेम के अंदर मेरे को ग्रेनेड भी मिल रहा है लेकिन मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा क्या ये ग्रेनेड करना दम है भी या नहीं, फुसकी बम नहीं निकला मैं एनिमी को मारू। तो टेस्ट करने के लिए मेरे पास बकरा मिल गया, बकरा मिल गया। दूर से देखा तो AWM दिखी, पास जाके देखा तो M24 निकले। इसके अंदर फर्स्ट किड बेंडेस से भी छोटी है। ये सामने क्या चमक रहा है, जाऊं क्या मैं इसके पास? जाता हूं और मैं नहीं लूंगा भाई, कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ग्रेनेड मिल जाता है एक और। ये ग्रेनेड हमको इतना सब क्यों मिल रहे, क्या ये काम करते भी है या नहीं, मेरे को चेक करना ही पड़ेगा। बलि का बकरा मिल चुका है गाइस, इतनी सब लूट है तो कितना लूटेगा भाई। एक काम कर भाई, तू दूसरी गेम के अंदर जा और उधर मस्त लूट। अब ये ग्रेनेड था कोई टेनिस बॉल जो इतनी बाउंस होकर इतनी दूर चली गई और उसको डैमेज भी नहीं पड़ा, मैं कोई इधर फेंकना पड़ेगा। तो ये इसके बिल्कुल पैरों के पास जाता है और ये फट जाता है। उधर ही खड़ा रहे, वेट इसके अंदर मेरे को लगता है फ्रेंडली फायर अलाव ही नहीं है। गाइस क्या फुद्दू गेम में फ्रेंडली फायर अलाव ही नहीं है जबकि अलाव होना चाहिए, हमें हमारे टीममेट को मारने का पूरा पूरा हक है। और ये जमरूद ने मेरी दोनों किल चोरी कर ली। अभी रुको मैं कुछ ढूंढता हूँ इसके लिए, मेरे को ये मिल गया। रुक तेरी ऐसी की तैसी, वही खड़ा रहता हूँ तेरे को बताने को। जा
तेरे पीछे एक बॉट है उसको मार ले, अपनी आखिरी इच्छा पूरी। ओबे में मेरे को मुक्के मारेगा तू? तूने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया, अब तेरे को पता चलेगा। मेरा बदला आग के भड़कते सोलो की तरह निकलेगा। वैसे इसको कुछ असर नहीं हुआ तो मतलब मैं बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बॉट को ही मार देता हूँ यार। फाइनली गाइस हमने हमारा इस गेम का पहला किल ले लिया है। नहीं वो बॉट नहीं था, वो असली बंदा ही था, तुम समझ लो असली बंदा था गाइस, बॉट है ही नहीं कोई इस गेम में। है एक बॉट है, वो है मेरा टीममेट, बॉट से बड़ा नूब रहा है वो साला। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मैं चौंक जाता हूँ, मतलब साले एक कार्टून गेम के अंदर हम जैसे मासूम बच्चों को जुआ खेल लगा रहे। तो मैं जैसे थोड़ा पास में जाता हूँ वहाँ पे लिखा हुआ था रिस्पॉन लोकेशन। हाँ पता रिस्पॉन लोकेशन लिखा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है साले ये मशीन सिर्फ 100 पीस के लिए रखी गई है, मतलब एक भी चीज नहीं होती है इस मशीन के अंदर, कुछ नहीं होता है। फिर एक असली बंदा आ जाता है तो मैं उसको दे जिगल करके मार देता हूँ, और फिर वो जैसे ही नॉक होते हैं गाइस तो ये एक छोटे पपी नहीं भाई छोटी डॉल्स में बदल जाते हैं, मतलब कुछ तो हो ही जाता है, मेरे को खुद को नहीं पता क्या होता है। उसके बाद मैं थोड़ी स्टाइले मारता हूँ यहाँ पे, और तुम बस देखो कितना बढ़िया तरीके से मैं वहाँ पे जाता हूँ, मतलब इतनी नीचे से मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ और फिर यहाँ से जंप करके सामने जाता हूँ, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जोश में मैं K98 उठा लेता हूँ और जोन आ जाता है, मतलब जोन भी बोलता है अपने सर्कस की दुकान इधर मत लगा, पहले जोन में आ जा। तो जोन में जाते जाते हमको एक बोट मिल जाता है जिसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको गोली लगती नहीं है, हैकर है, पक्का हैकर है। देखो स्काउट से बढ़िया स्प्रे मारो लेकिन फिर भी गोली उसको चिपकी नहीं एक भी। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे दो बंदे आ गए तो मैंने एक को चुपचाप मार लिया। देखो मेरे को किल चाहिए थे, मैं अपनी K98 चलाने में रहता इस तरह और दोनों गुत्थम गुत्थाई करके एक दूसरे को मार देते, मैं सब बिल्कुल नहीं होने देता। उसके बाद मैं जैसे नदी को क्रॉस कर रहा होता हूँ तभी नदी के उस किनारे एक बंदा मेरा ऑलरेडी वेट कर रहा होता है, मैं डर जाता हूँ लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। एक बार उस फालतू के टीममेट को देखो, कवर नाम की चीज नहीं दे रहा है वो, और तू अपना जिमनास्टिक बनकर साले वरना इधर ही मार दूंगा, मार ही देता हूँ। तो मैं इसको नॉक तो कर देता हूँ लेकिन भाग रहा होता तो उसको मैं K98 से मार देता हूँ, और पीछे और बंदे आ जाते हैं तो मुझे जिसकी अनहोनी थी वो होनी हो ही जाती है। टीममेट मेरे मुंह का निवाला छीन लेता है, मतलब मेरी किल थी वो, लेकिन कोई बात नहीं भिखारियों को हम भीख दे देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लूटना होता हूँ लेकिन मेरे को यहाँ पे बॉल दिखते तो मैं इसको फोड़ने की करता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि इसको मैं पकड़ सकता हूँ क्या हाथ में, लेकिन तुमको जान के हैरानी होगी कि ये इस गेम की एक बाइक है। यस मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम इसके साथ बहुत स्पीड में जा सकते हो कहीं पे भी। देखो हमसे आगे है ना ये बाइक के साथ, मैं इसको आराम से ओवरटेक कर लूंगा। ओ कछुए जल्दी चल साले, तेरे से फास्ट तो मैं हूं कछुआ। और कछुआ गायब हो गया। गाइस कछुआ बहुत ही पुराना प्लेयर है, इसको सारी चीजें पता है, ये उड़ने लग चुका है यहाँ पे और मैं अपना जिमनास्टिक कर रहा हूँ इधर। उड़ने लग चुका है मतलब जो छोटा मोटा पंखा नहीं देते ये लोग, वही से उड़ रहा है और अभी नीचे भी गिर जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन गाइस मैं ये क्या देखता हूँ, यहाँ पे मेरे को दिखता है डायनासोर का बच्चा या फिर ड्रैगन का बच्चा, मेरे को भी नहीं पता, किसी का तो बच्चा था अंडे के अंदर, और उसी अंडे के सामने एक बंदा भी था, लेकिन मैं जैसे उसको मारता हूँ तो मेरे को लूट मिलती है बहुत सारी, और मेरे को ब्लू कलर की एक अजीब सी चीज मिलती है। तो मेरे को लगा क्या पता इसको अंडा फोड़ के जगाना हो और ये पूरी गेम में हमारी मदद करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर मैं ये जो ब्लू वाली चीज होती है अजीब सी, सोचता हूँ क्या पता इसको फेंकूं तो बहुत बड़ा धमाका हो, अंडा फूट जाए, हमारी मदद करे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद एनिमी आ जाता है और मेरा काम चोर टीममेट यहाँ पे किल चुराने के लिए भी आ जाता है, लेकिन मैं इसको नहीं चुराने देता हूँ किल, और फिर मैं वो ब्लू वाली चीज इसी के ऊपर फेंक देता हूँ, क्या पता यहीं पे जम जाए पूरी गेम के लिए। लेकिन सोचो ऐसा भी कुछ नहीं होता, जैसे मैं इसके ऊपर फेंक देता हूँ ये वाली चीज, एक अजीब सी बॉल बन जाती है, जैसे मैं उसके ऊपर कूदता हूँ मैं जंपिंग जपक जंपक जंपक करने लग जाता हूँ। सोच रहा हूँ इसको किसी गार्डन में डाल दूँ, बच्चों से पैसा लूटने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद गाइस मैं अपना पीक एंड फायर का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, और तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही पीक कर दिया, मतलब भाई थोड़ा भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब भाई कमर में टूट जाएगी तेरी, खर्चा कौन उठाएगा अभी। उसके बाद गाइस मेरे को पता नहीं इधर कुछ अजीब सी चीज मिल जाती है, मतलब यहाँ से देखने में अजीब लग रही थी, उसके पास जाके जब मैंने इसको ले लिया तो अचानक से यहाँ पे दो ब्लू कोई चीज आ गई और मेरी डोल के ऊपर, मतलब हेलमेट के नाम पे जो डोल पहनी है उसके ऊपर एक अजीब सा निशान आ गया। और फिर मैं जैसे ही ऊपर गया एक बंदा ऑलरेडी ऊपर बैठ के कैंप कर रहा था, लेकिन रिफ्लेक्स ने मुझे बचा लिया और मैंने उसको मार दिया। वैसे सच्ची में असली बंदा था जो ऊपर कैंप कर रहा था। उसके बाद मैं यहाँ से उड़ के जाता हूँ और उस बंदे को स्टाइल से मारता हूँ, उस बंदे को मतलब नीचे एक और बंदा है, सबसे पहले जम करके भाड़े का पंखा ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक एबिलिटी है जिसको यूज करके मैं सीधा उसके मुंह पे कुत्ते कुत्ते उसको मार देता हूँ, और फिर डबल जंप भी करता हूँ, मतलब भाई कोई है तो इतने फैंसी मुंह मारने वाला। वैसे मेरे को अभी भी पता चला इसके अंदर बैकपैक भी है, मतलब तुम यहाँ से अबे भाई कौन सी 7 की है वो तूने फेंक दी, भाई ले यहाँ पे गन पड़ी है AK-47, गोलियां नहीं होगी तो गन फेंक के मारूंगा सामने।
देने वाले को मैं। तो गाइस यहाँ पे एक एयर ड्रॉप भी जिसके अंदर हमको ग्रोसा मिल जाती है और साथ में कपड़ों के नाम पे पता नहीं कुछ तो मिल जाता है मेरे को। इससे क्या होता है मेरे को खुद को नहीं पता, लेकिन इतना पीछा रैम्बो के साथ हमारा कलर बिल्कुल मैच हो रहा है। इतनी सारी चीजें आने के बाद मेरे को एक बंदा मारना आता, तो सच में लगता है तुमको मार पाएगा भाई, तुमको टच भी नहीं कर पाएगा। मेरे पास इतनी सारी चीजें आ चुकी है इस गेम की। फिर गाइस मैं यहाँ पे अपना स्पिरिट टेस्ट कर रहा था, वैसे ही मेरे को एक बंदा दिख जाता है और मैं उसको फटाफट मार देता हूँ। मार ही दूंगा ना, हक दिया मैंने स्प्रे। गाइस देखो पहली बार खेला यार, कुछ बोलो मत तुम मेरे को। यहाँ पे 10 किल कंप्लीट हो जाते हैं इस बंदे को मार के। उसके बाद में यहाँ पे ये तीन जो खड़े, इसको जैसे ही दबाता हूँ वैसे भाई मेरे बहुत सारे क्लोन निकलने चालू हो जाते हैं। और इस एबिलिटी को यूज करने के बाद मेरा जो पूरा अवतार था वो पूरा चेंज हो चुका है, कपड़े से लेके सब कुछ भाई अलग हो चुका है मेरा, अलग गई नजर भाई, इतना बढ़िया था। इसने कुछ किया है साले नुबड़े, भाग इधर से उठ के क्या। उसके बाद गाइस यहाँ पे पीछे एक बंदा कैंप कर रहा होता है भाई, गड्ढे में बैठा हुआ, जिसको मैं अपने रिफ्लेक्स दिखा लूंगी पहन के गड्ढे में बैठ के भाई। तो हूं तो हग रहा होगा, मेरे को पता है, अक्कल नहीं है तेरे को। इतना सब लोग बोलते हैं खुले में नहीं हगने का, खुले में नहीं हगने का, इधर मस्त लोटा लेके आ जाता होगा लुंगी पहन के। रो रहा, देखो गाइस सब रो रहा है सारा भाई, इधर ही हगा था ना, तू जब साफ कर पकड़ने का ऑप्शन है क्या। गाइस जब मैं इसके पास जाऊँ तो ये क्या हो गया, मैंने इसको उठा लिया भाई को। इसको बाहुबली के अंदर रोल दे दो, वो स्टार्टिंग में पानी वाला सीन था जिसके अंदर बच्चे को ऊपर कर रही थी, सेम वही लग रहा है। अभी के लिए तो नीचे रहे, मैं तेरे टीममेट को बोला तू तेरे यही रो रहा है ना, इसका टीममेट आएगा, मैं इसका टीममेट को मारूंगा। इसको दोनों को साथ में, मेरे टीममेट ने इसके टीममेट को मार दिया भाई, नूबड़ा है मेरा टीममेट। उसके बाद मैं चुपचाप सबसे टीममेट की एक किल चोरी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना पूरा दिमाग लगा के पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता हूँ, ये मैंने फेंका और ये सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया मैं। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को एक सिग्नल मिल जाता है कि भाई कोई गाड़ी लेके आ रहा होता है, और मैं जैसे पीछे देखता हूँ भाई एक बंदा अपना हेलीकॉप्टर में बैठ के आ रहा होता है, मैं उसको सीधा मार देता हूँ। और फिर इसकी जो पुतली होती है उसको भी मार देता हूँ। और फिर मैं जैसे बाजू वाले पहाड़ पे देखता हूँ वहाँ पे भी एक बंदा होता है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं मारता हूँ, मैं मारता तो इसको बिल्कुल स्टाइल में। तेरा बाप आया। तो गाइस मैंने ले लिया इस गेम के अंदर अपना पहला विनर चूजा डिनर। नहीं चिकन नहीं आएगा इस गेम के अंदर, उसका बच्चा आ जाएगा चूजा, तो चूजा डिनर ही करेंगे हम आज। बाकी तुमको गेम कैसा लगा कमेंट करना जरूर बताना। और एमवीपी कौन है, एमवीपी कोई नहीं, लेकिन 15 किल है और ये साला बहुत चिंदी चोर के खाली 2 किल है, 2 नहीं 12 किल है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना था, तुम्हें वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, तो दोस्तों शेयर मार दो, जो पबजी को पसंद करते उनको बताओ अच्छी गेम है ये। बाकी गेम का ओरिजिनल नाम है सॉसेज मैन, जो कि तुमको प्ले स्टोर पर नहीं मिलने वाली है। बस आज के वीडियो के लिए इतना था, मैं तुमको मिलता हूँ अगले वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखो गेम के अंदर मेरे को 1-1 आर्मी का अवार्ड मिल चुका है, मतलब क्लासिक मोड के अंदर तुमको अकेले एनिमी के 4 बंदों को मारना पड़ेगा। पूरी स्क्वाड खत्म करिए मैंने, तब जाके मेरे को मिला है, बहुत ही मेहनत करी है मैंने, वीडियो को लाइक कर देना। मैं तुमको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।